बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल एनएसएस वही 10-20। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे अंडा भुर्जी। तो सबसे पहले अपनी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया, मैंने प्याज बार की काट लिया करीबन 6-7 और टमाटर 2 और 5-6 मिर्चा। आपको मिर्ची अपने हिसाब से डालना, तीखा पसंद है तो डालना। तो चलिए उसके बाद हम लोग कढ़ाई गर्म करके तेल डाल लेते हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक अपने अंडे को फोड़कर हम लोग डाल लेंगे। तो देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें अंडे को फोड़कर हम लोग एक एक करके सारे अंडे को डाल देंगे इसमें। ये रेसिपी बहुत जितनी ये टेस्टी है उतनी आसान रेसिपी है, और अंडा खाना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा। तो देखिए तेल गर्म हो जाने के बाद हम लोग अदरक डाल देंगे इसमें और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको लाल होने देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें प्याज डाल देना है। प्याज टमाटर दोनों एक ही साथ डाल देंगे क्योंकि इसको एकदम पकाकर लाल बनाना होता है। तो हम लोग सारे जो मसाले हैं हमारे सब्जियां हैं उसको इकट्ठे हम लोग डालकर अच्छे से हम लोग चला लेंगे। जब तक मैं इसको लाल करती हूँ तब तक मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी YouTube पे नहीं हूँ। अगर मेरी वीडियो में कोई अच्छाई है या कोई गलती है तो प्लीज़ आप उसको बताएं, गलती है तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं और अपने में सुधार लाऊं। अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊँ। तो देखिए उसके बाद हम लोग डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि अच्छे से गल जाए और लाल हो जाए। तो ये देखिए ये लाल हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अंडे को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया। मैंने सारे अंडे डाल दिए। अब इसको क्या करना है ना, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके इसको बहुत ही अच्छे से चलाना है ताकि ये नीचे से पकड़े ना। और इसको लगातार चलाइएगा आप क्योंकि ये नीचे से बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है, जल जाता है, ये जले ना, इसलिए जल्दी से आप लोग चलाते रहिएगा बिल्कुल ऐसे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही चलाना है और ये ध्यान रहे कि इसको आप चलाते रहिएगा नहीं तो बहुत जल्दी नीचे से पकड़ लेता है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको चला लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम लोग चलाएँगे और जो हमारा अंडा का भुर्जी है वो बन के अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो चलाना प्लीज़ मत छोड़िएगा क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से इसको चलाओगे ये उतना ही बारीक और उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए मैं जैसे चला रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही चलाइएगा। ये देखिए हमारा जो अंडा की भुर्जी वो बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया हुआ है। उसके बाद आप लोग डाल दो धनिया की पत्ती। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं लगी तो मैं फिर बोलूँगी, कमेंट में बताइएगा मुझे। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।